तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई कैंपिंग वीडियो में। तो बाकी आज मैं सोलो कैंपिंग करने आया हूँ इन फॉरेस्टों में। आज थोड़ा नीचे में ज़रा गधेरे टाइप में आ गया, ठीक है। तो मैंने सोचा यहाँ ज़रा खेत टाइप के हैं तो अच्छे भी लग रहे हैं, मैंने सोचा यहीं कैंपिंग करूँगा मस्त वाली अपनी। तो आज हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा है तो मैं आज सोलो ही आ रखा हूँ। तो आज पूरी नाइट मैं यहाँ रहूँगा। तो एक बार इससे पहले, बहुत पहले मैं यहाँ रहा था सोलो कैंपिंग करने के लिए। तो बाकी आज का एक्सपीरियंस देखते हैं कि यहाँ कैसे रहता है, क्योंकि लैपट वैपट का तो थोड़ा बहुत डर रहता है सोलो कैंपिंग में। बाकी देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है। उस दिन से आदत भी पड़ गई है तो हवा भी पड़ रही है, मौसम भी एकदम चारों ओर घिरा हुआ है। देख लीजिए मेरे बैकग्राउंड में बादल लगे हैं, काले काले बादल हो रखे हैं। बारिश भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते इस मौसम का। तो अभी मैं टाइम पर पहुंच गया हूं, फिर अपना सामान लेके जो भी है पोर्टेबल, जो भी हमारा सामान है सब इस बैग के अंदर आ गया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ अपनी टेंट पिच करते हैं, फिर उसके बाद लकड़ी वकड़ी भी ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन हमारे लिए इस कैंपिंग में। और ये लकड़ियाँ नहीं होंगी तो शायद रात काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो पहले टेंट लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद लकड़ियाँ ढूंढता हूँ, क्योंकि टेंट लग जाएगा थोड़ा सेफ्टी रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी टेंट लगाते हैं और आज की सोलो कैंपिंग इंजॉय करते हैं इन मस्त से फॉरेस्ट में। वैसे तो गाइस सोलो कैंपिंग करना बहुत टफ होता है, लेकिन मैंने एक बार की थी तो देखते हैं क्या होता है आज के दिन, ठीक है। बाकी उतना सीरियस नहीं लेते हैं इस चीज़ को कि जंगल है करके, और आराम से अपनी कैंपिंग करते हैं बेफिक्र। जो होगा देखा जाएगा, डर के आगे जीत है। इनको लगाना गाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेबल रहेंगे चारों ओर से, ठीक है। हवा हवा का झोंका इन्हें कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस अपना टेंट लग चुका है बढ़िया करके, ठीक है। काफ़ी जल्दी लगाया मैंने, क्योंकि मेरे को अब लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, क्योंकि लकड़ियाँ भी चाहिए ना बॉन फायर के लिए। आगे से आग जली रहेगी तो एक सेफ्टी रहेगी। बाकी चलो जल्दी जल्दी, थोड़ा पानी भी लेते हैं, गला सूख गया है। तो इस साइड को तो काफ़ी गर्म होने लगी है, क्योंकि इस साइड ज़्यादा पाइन के पेड़ है ना, इसलिए। अब लकड़ियाँ भी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे भी मिलती है देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आजकल गाइस जंगलों में भी कोई नहीं आता है, क्योंकि आजकल कुछ काम ही हमें नहीं ठहरा। खाली दिन के टाइम में आते हैं गाय बछड़िया चलाने, बाकी रात को जंगल पूरा, मतलब शाम के टाइम में आते हैं ना, पहले आते थे घास पात काटने। तो पीछे अपना टेंट लगा है, ऊपर साइड लकड़ियाँ मिल जाएगी तो सही रहेगी ना। तो मिल जाएगी,
ये इस प्रकार की लकड़ियाँ मिल जाएगी तो थोड़ा बहुत सारा रहेगा। ठीक है, पतली जो मिल जाती है अभी मेरे को उसी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ भी मिल गई है कुछ चीटे वगैरह, तो ये लकड़ियाँ भी बहुत काम आएंगी। चीटों को उठा लेता हूँ, इनसे जल्दी आग लगती है। तो गाइस बाकी ना आजकल पहले ओस पड़ती थी तो सारे जो भी ये झाड़ी वगैरह थी तो ये सब सूख रखे हैं, तो काफ़ी जगह जगह मिल गए मेरे को ये मतलब पूरे सूखे हैं ये, मतलब आग इनसे बहुत भयंकर जलेगी। तो बाकी ये झाड़ियाँ भी अगर इनमें थोड़ी बहुत भी आग लग गई ना ये भी जल जाएंगी। तो बाकी ये इतना मैंने इकट्ठा कर लिया है फिर चंद मिनटों में, तो कुछ और ढूंढनी पड़ेगी मेरे को ना, तो इससे तो पूरी रात जलेगी नहीं। कोई मोटा सा लकड़ी अगर मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा उससे, क्योंकि वो रात भर जलने में रहेगा। तो बाकी ये इतनी ही अभी है फिर जो भी मेरे को आसपास मिली किस्मत के तौर पे, अगल बगल मिली गई थी, मुझे पता था इस साइड लकड़ियाँ बहुत मिलती है तो ये सही था। चले फिर और ढूंढते हैं। गाइस रात हो चुकी है फिर, हाँ तो फटाक से यहाँ मैं आँख लगा देता हूँ, चूल्हा बना देता हूँ। ठीक है, ऐसी अपनी आग लग चुकी है, जरा हाथ भी जल गया मेरा, थोड़ा पानी लगा रहा हूँ। जंगल में ऐसे कांड होते रहते यार, क्या कर सकते हैं। चलो फिर ये तो हो गया अपना, ठीक है अब इसके बाद अपना बनाते हैं चाय। तो गाइस यार सीन बवाल हो गया मेरे साथ, मैं चाय बनाने के लिए पत्ती लाना भूल गया, तो बाहर से आग तो जला दी मैंने, अब चाय पीने का मन हो रहा था। अब क्या कर सकते हैं, रहने दो, चाय कैंसिल करते हैं, तो बाकी डायरेक्ट खाने की तैयारी करते हैं फिर, क्योंकि टाइम पर बना दूंगा तो सही रहेगा, फिर बाहर जाना भी नहीं रहेगा, क्योंकि आग हल्की हल्की लगी है तो सेफ्टी के तौर पर आग भी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा भूख लगी है, नमकीन खा देगा, ठीक है सब कुछ है, चाय पत्ती नहीं है, कॉफ़ी भी नहीं है ना, कॉफ़ी बना लेता। तो गाइस यार चाय वाय तो नहीं बनाई, आप सीधे खाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। और ज़रा ये कीड़े मकोड़े ज़्यादा ही आ रहे हैं आज यार, तो एग लाया था मैं, एग बनाते हैं इसमें बढ़िया करके, तो दो तीन एगों से हो जाएगा अपना बढ़िया, ठीक है। इसमें रखते हैं गैस कैन पे, बस ये हो गए अपने एग बढ़िया करके, तो एग करी बनाएंगे हम, ठीक है। अभी इसके बाद चावल बनाऊंगा, पहले अंडे बॉईल कर लेता हूँ, और बाहर एकदम अंधेरा ही अंधेरा हो रहा, खतरनाक वाला।
तो चलो फिर दोस्तों यार शॉपिंग करते हैं बढ़िया करके, ठीक है। और बाहर से अपने आज लिए इन जो आलू ला रखा हूँ ना मैं, इनको इस आलू को उसमें डालते हैं, किसमें जो आग लगा रखी है उसमें, तो इसका अच्छा सा भरता खाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। दो आलू है ये बहुत टेस्टी होते हैं, तो वो डालेंगे, ठीक है। तो उसको साइड में रखते हैं और करते हैं अपनी चॉपिंग स्टार्ट। प्याज वगैरह काटते हैं, अंडे मैंने बाहर से रख दिए चूल्हे पे, गैस में तो बहुत टाइम लग जाता है, आगे आगे बहुत लकड़ियाँ जमा कर रखी है मैंने, तो उसमें हो रहे हो। तो दोस्तों आप चावल रख देता हूँ मैंने फर्स्ट क्लास से, मेरे एग तो रेडी हो गए हैं, मैंने सामने उस पर रखे थे, एग बढ़िया करके बॉईल हो गया है, तो ऐसे चावल रखता हूँ जितना मैं खा सकता हूँ, ठीक है। इस बड़े वाले भगोने में रखता हूँ क्योंकि मेरे पास यही बड़ा वाला गैजेट है, मेरा छोटा सा अभी मैंने नहीं लिया है। तो गाइस ये आग भी अपनी यहाँ फर्स्ट क्लास से यहाँ लगी है, दोस्तों सामने आ गए, आग के पास दूंगा उतना खतरा नहीं रहेगा। तो उसमें मैंने आलू भी डाले हैं, आलू सही रहेंगे। प्रॉपर तरीके से पके, सलाद के लिए बन गया बढ़िया करके, ठीक है। अंडा करी बन गई है, तो फटाक से खाते हैं जल्दी जल्दी करके। बाहर से मैंने कैसे तैसे करके बना दी चूल्हे में, तो मेरा गैस कैन बहुत कम था इसलिए मैंने बाहर से बनाई। तो बाकी चलो फिर अंधेरे, तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 9:30 हो गया, देखो 9:27 हो गया, तो जल्दी करके मैं भी खाना खा लेता हूँ टाइम के हिसाब से, ठीक है। इसी थोड़े से ज़्यादा नहीं, चावल मैंने थोड़े से बनाए थे अपने लिए, लेकिन बर्तन काफ़ी बड़ा यूज़ हो गया है। तो ये अपने चावल फर्स्ट क्लास से बने हैं, ठीक है। और ये अपना ना जो मैंने उसमें डाला था चूल्हे के अंदर, ये भी काफ़ी अच्छे से पक गया है, तो इसको भी नमक के साथ खाने में अलग ही मज़ा आएगा। तो बाकी अपनी एग करी भी रेडी है, ठीक है। तो मैं तो वो ले आने भूल गया यार, सही में क्या अपना दाड़ू, तो इसी से दे रहा हूँ। ये देखिए गाइस, रात के साथ ये भी काफी अच्छा लगेगा। टमाटर ठीक है, बाकी मैंने प्याज काट ही लिया था थोड़ा, और गाइस ये अपना पूरा डिश रेडी है, बढ़िया करके इसके साथ आलू खाएंगे हम ये वाले। ये आलू दिखने में ज़रा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, तो इसको नमक के साथ खाना पड़ेगा। तो बाकी
तो जिस प्रकार का बना होता है, ये भी बहुत अच्छे से पका है। देखो गाइस, ये ट्राई करना है एक बार। तो इसके ऊपर नमक वमक पड़ेगा अभी थोड़ी देर बाद, तो नमक आ जाएगा इसके ऊपर आराम से। ठीक है, और ये हल्का सा मिर्च आ जाएगा, तो ये खाने में बहुत टेस्टी होंगे। तो चलो फिर दोस्तों यार, बाकी अपना सब रेडी हो गया है, जल्दी जल्दी करके खाते हैं बढ़िया करके। काफ़ी अच्छा बना रखा है, भरोसा नहीं था इतनी अच्छा बनेगा करके। साथ में सैलेड, जैसा सोचा था वैसा बन गया है। इसमें एग भी डाला था। ठीक है, बाकी अपनी आग भी अच्छे से आगे से जली है, किसी की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा मिर्च और रखिए। सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है यार सोलो कैंपिंग में, सच्ची में। तो गाइस खाते हुए यहाँ, लेकिन बनाया हुआ तो बहुत टेस्टी हो रखा है यार, मेरे को तो यकीन नहीं था ये बन जाएगा करके। बाकी अगल बगल सन्नाटे को देख के लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है करके। बाकी अपना ये खाते हैं जो हमने बना रखा है, एकदम चूल्हे के नीचे मैंने डाल रखा था, ये काफ़ी टेस्टी होता है, तो आप भी चखो, हम भी चखते हैं। टेस्टी तो हो रखा है। कैसे हमने आवाज सुनी? सकता है कोई छोटा सा जानवर है जो कि वहां से आ रहा है, झाड़ी में होगा पीछे, क्योंकि इस साइड झाड़ी बहुत है ना। इससे पहली बार भी आई थी जब मैं बाहर से खाना बना रहा था, लेकिन अभी रिकॉर्ड हो रखा है, शायद इसमें आवाज़ आई होगी तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए, फिर खाना वाना अच्छे से खा लिया था। ठीक है, तो बढ़िया बना था खाना, और बाकी जो साउंड आई ना उसकी तो नींद मुझे शायद अब सोने देगी नहीं, क्योंकि कुछ भी होता है ना जंगल में रात को, तो सही में वही माइंड में चलता है कि यार यहाँ वो हुई थी। बाकी उस टाइम से मैंने बाहर झाँका भी नहीं, क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा है करके। चलो फिर दोस्तों, मैं भी टेंट क्लोज़ करता हूँ अपना और सोता हूँ चुपचाप, और बाकी बाहर से जो आवाज़ आई एक बार अगल बगल चेक कर लेता हूँ कि कुछ है तो नहीं, ना तो रात भर पूरी नींद आने वाली भी नहीं है मेरे को, तो देख लेते हैं क्या क्या होता है बाहर, देखता हूँ मैं क्या होता है। तो चलो फिर दोस्तों, टेंट क्लोज़ करता हूँ मैं भी, और गुड नाइट आप सभी लोगों को, मिलता हूँ मॉर्निंग में। और कुछ भी एक्टिविटीज़ होगी तो मैं आप सभी को ज़रूर अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा, ठीक है, पक्का दिखाऊंगा। कुछ भी एक्टिविटीज़ होगी ना, मैं आप ज़रूर कैमरा ऑन करूंगा, और कुछ भी होगा तो दिखाऊंगा।
तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए मॉर्निंग में। तो कल की रात काफ़ी अच्छी नहीं गई, क्योंकि मेरे को कल काफ़ी लेट नींद आई और उसके चक्कर में पता नहीं, ये पीछे झाड़ियाँ है उसमें कोई जानवर साइड चल रहा था, तो उसके चक्कर में आधी नींद नहीं आई। फिर नींद आई तो आंखें खुली नहीं सुबह, और फर्स्ट क्लास की धूप आ चुकी है इन पहाड़ों की ओर, और सामने में हमारी धूप ही आ गई है। तो नींद ज़रा लेट खुली है, कल काफ़ी थक भी गया था, और थकने के बाद फिर वो जो चलने की पैरों की आवाज़ आई, पता नहीं कौन था, जानवर था भले कोई और कुछ और था, समझ में नहीं आया। मेरी तो सही में हालत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद भी क्या कह सकते हैं, अपना सारा सामान पैक वैक हो गया है, अब निकलता हूँ मैं भी। हाँ, 8 बज चुके हैं, सारा सामान काफ़ी ज़्यादा था पर तो टाइम लग ही गया। अब यहाँ से निकलते हैं सीधे घर की ओर, और मिलते हैं एक नए कैंपिंग वीडियो में। और इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना है, कि फिर बाद में आप कहते हो कि ये वो नहीं दिखाया, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, आप कमेंट करना, तो उसी हिसाब से हम वीडियो लाएंगे। हॉन्टेड प्लेसों में जाना है, या ट्रैक कैंपिंग लानी है, या कौन सी कैंपिंग लानी है, एक बार कमेंट ज़रूर करना, और कहाँ जाना है वो भी कमेंट करना, तो हम वहाँ भी जाएंगे। ठीक है, तो गाड़ी भी आ गई है, तो एक बार ज़रूर कमेंट करना कि ऐसी कैंपिंग करो करके, तो हम वो कैंपिंग आपके लिए ज़रूर लाएंगे। जो भी करेगा ना कमेंट, छोटा भी कोई भी करेगा ना, वैसी कैंपिंग लाएंगे, और ये मेरा वादा है, तो वही कैंपिंग लाऊंगा मैं आपके लिए। तो चलो फिर मैं भी अब निकलता हूँ, काफ़ी समय हो गया है, और इस वीडियो का अलविदा देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चलो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कैंपिंग वीडियो में। बाय बाय।